नमस्कार किसान भाइयों, दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। तो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें खरपतवार नाशक के बारे में मैंने बताया था कि कौन सा स्प्रे इस वक्त अपने को करना है, और साथ में मैंने बताया था कि अगर कुरपा चलाने का अगर हमें समय मिले तो उस समय हमें कुरपे का उपयोग करना चाहिए खरपतवार के लिए। उससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट अपने को सोयाबीन में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज जो है मौसम ने हमें समय दिया है, बरसात नहीं हो रही है हमारे इधर, तो हम जो है अपने खेत पर सोयाबीन में कुरपा चलाने का काम जो है आज हम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि हम किस प्रकार यहाँ पर कुरपा चलाने का काम अपने खेत में सोयाबीन में करते हैं, जिससे क्या है कि खरपतवार जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और बिना दवाई के जो सोयाबीन का उत्पादन हम लेते हैं तो वह किस प्रकार हम ले पाते हैं, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसके लिए हमने ट्रैक्टर के ऊपर जो है कुरपा चलाने का जो सिस्टम बना रखा है, आपने देखा होगा अधिकतर किसानों के पास, और आजकल तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी कुरपा चलाने की आ गई है, लेकिन हमारे पास जो सस्ता और अपना घरेलू जुगाड़ है जिसको हम कुरपा ट्रैक्टर पे कुरपा सेट कर रखा है हमने, तो वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी खेती किसानी से जुड़ी जानकारी मैं आपको देता रहूँ। तो दोस्तों जैसा कुरपा चलाने के लिए हमारे पास एक ट्रैक्टर है, उसके हमने टायर जो है 8 इंची टायर हमने कर लिए हैं, तो उस पर हमने कुरपे सेट किए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह मैं अभी मेरे खेत में हूँ, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कि कैसे हम कुरपा चलाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इनको देखिए पकड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है यहाँ पर, और ट्रैक्टर के पीछे जो है यह चलते जा रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत से किसान भाइयों का ये कहना रहता है कि इससे जो है सोयाबीन में नुकसान होता है, तो दोस्तों हम जो है करीबन 10 साल से इस जो है जुगाड़ का यूज़ कर रहे हैं ट्रैक्टर पे, तो हमको ऐसा नहीं लगा कि कोई नुकसान हमने देखा है, क्योंकि जो टायर है बिल्कुल पतले टायर है इसमें लगाए हुए ताकि ये व्यवस्थित जो है डोरी में चल सके, इसके कारण हमें कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है यहाँ पर। खरपतवार का विशेष निपटारा यदि हमें बरसात में समय मिले तो हम इसी प्रकार से करते हैं, और पिछले 2 साल से जैसा कि हमें मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस बार जो है बारिश ने हमें मौका दिया है, तो उसके लिए हम जो है इस टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ये हमारे दोनों जवान बैठ गए हैं, ये कभी बीच में खोर वगैरह आ जाए, ज़्यादा जो है खरपतवार आ जाए, तो कुरपा उरपा साफ़ करने के लिए ये बैठ चुके हैं ताकि लंबाई ज़्यादा है खेत की इसके कारण। हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं है, इस पर बैठना ज़रूरी नहीं है। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि आपके उधर इलाके में एरिया में भी यदि इस प्रकार से आप कुरपे जोतने का या फिर और कोई सी नई टेक्निक लगाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, ये सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।